हेलो एवरीवन, आज का जो अपना टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है आपका इंक्लूडेड है और किस तरीके के आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, तो कुछ मैंने सीरीज लिखा है, देखते हैं कि किस तरीके की सीरीज है और इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है या इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। बहुत सिंपल सीरीज है, समझने की कोशिश करते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये आपका 9th-10th में भी आता है तो आप बेसिक पढ़ चुके हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे मिली है, आप आंसर बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं क्योंकि आप पढ़े हैं इन चीज़ों को। अगर मैं फर्स्ट सीरीज देखूँ, फर्स्ट सीरीज की बात करूँ, तो फर्स्ट सीरीज में जो नंबर है 1 है 4 है 7 है 10 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि हर टर्म में क्या ऐड किया जा रहा है, 3 ऐड किया जा रहा है। 1 + 3 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 3 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 + 3 कितना हो जाएगा, 10 + 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 13 के बराबर हो जाएगी। कितने के बराबर होगी दोस्त, 13 के बराबर होगी। क्लियर, देखते हैं कि ये दूसरा सीरीज क्या है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनना होगा या इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म इसका 1 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 64 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। हम ये देख पा रहे हैं इस सीरीज़ में कि हर सीरीज में किस से मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब मीन्स 1 में 4 का मल्टीप्लाई किया 4, 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया 16, इसमें 16 में 4 का मल्टीप्लाई किया 64, और जब हम 64 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ पा रही है, क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, देखिए आप इस सीरीज को नेक्स्ट टर्म को देखते हैं तो नेक्स्ट टर्म को देख के लगता है कि ये सीरीज इसमें तो किसी संख्या से कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी नहीं है या कांस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज भी नहीं है, तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा होगा। थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्वेशन क्लियर से देखें, ऑब्जर्वेशन देख करके चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो हम ये पाते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, 1² + में कितना है, 1 है। सेकंड टर्म क्या है, 2² + में कितना है, 1 है। थर्ड टर्म क्या है, 3² + में कितना है, 1 है। ये वाला टर्म, फोर्थ टर्म आपका क्या है, 4² + में कितना है आपका, 1 है। तो ये नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा, 5² + में कितना होगा, 1। तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म 26 के बराबर हो जाएगी। क्लियर गाइस, ये बातें आपको समझ में आ पा रही है, क्लियर हो पा रहा है, यस या नो। ठीक, देखिए आप अगर किसी भी टर्म में कांस्टेंट इंक्रीज या डिक्रीज की बात करें तो वो सीरीज क्या कहलाती है, एपी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है वो सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। किसी टर्म में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन की बात करें या डिवीजन की बात करें तो वो सीरीज क्या हो जाती है, जीपी कहलाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इन्हीं दो सीरीज आपके सिलेबस में है, इन्हीं सीरीज को डिस्कस करना है, एपी और जीपी। तो हम आते हैं एपी के बारे में, एपी के बारे में डिस्कस करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ये सीरीज किस तरीके से है। अगर मैं डिफिनीशन की बात करूं तो इस तरीके से डिफिनीशन हम बोल सकते हैं कि सीरीज विच ईच नंबर इज आइदर इंक्रीज या डिक्रीज बाई ए कॉन्स्टेंट नंबर, देन डैट सीरीज विल बी कॉल्ड एपी सीरीज। कोई एक ऐसी सीरीज जिसमें कि किसी कॉन्स्टेंट नंबर को एक ऐड किया जा रहा हो या उसी कॉन्स्टेंट नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट किया जा रहा हो, तो वो सीरीज क्या हो जाएगी, वो सीरीज क्या कहलाएगी आपकी, एपी कहलाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। जो कॉन्स्टेंट टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम ये जो कॉमन डिफरेंस आता है उसको हम जनरली किससे डिनोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको नोट करना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस जो होता है जनरली हम इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि A2 माइनस क्या है, A1 है, सेकेंड टर्म माइनस क्या है, फर्स्ट टर्म है।
ये वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है सीरीज देख करके आप कैसे बता पाओगे? तो एक तो जनरल फार्मूला, सिंपल फार्मूला क्या है कि सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। या दोस्त इसको एक जनरल फार्मूले में लिखने की बात करें तो इस तरीके से भी हो सकता है कि nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। nवा पद ले लिया और उससे एक पहले का पद ले लिया, माइनस कर दिया, टर्म ले लिया माइनस कर दिया, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर गाइस? देखिए इसमें दूसरी बात जो यूज की जाती है कॉमन डिफरेंस में, वो nth टर्म की बात की जाती है, tn की बात की जाती है। tn के लिए कोई फॉर्मूला अलग से नहीं बनाया गया है, tn जो है ऑब्जर्वेशन से ये फॉर्मूला आया है। जैसे कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने ये जो दो बातें लिख दी, ये ऑब्जर्वेशन से ही हमने लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से nth टर्म या tn टर्म की बात करें तो हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि जैसे पहला टर्म फर्स्ट टर्म क्या है, एपी में 1 है, उसमें क्या ऐड किया गया है, 3 को एक बार ऐड किया गया है। दूसरे टर्म में 3 जो है जो कॉमन डिफरेंस है, दो बार ऐड किया गया है, इसमें 3 बार ऐड किया गया है, और इसमें कितनी बार ऐड किया गया है, 4 बार ऐड किया गया है। तो हम ये देख पा रहे थे कि जो जैसे सेकेंड टर्म है तो उसमें कितनी बार ऐड किया गया है, कॉमन डिफरेंस 1 बार ऐड किया गया है। जो थर्ड टर्म है उसमें 3 कितनी बार, कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड किया गया है, 2 बार ऐड किया गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें nth टर्म निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। जैसे nth टर्म निकालना होगा तो एक कम कर लीजिए और उतना आप ऐड कर दीजिए, आपका tn आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा। क्लियर गाइस? आपको बातें समझ में आ पा रही है? जैसे मैंने ये बोला कि जैसे देखिए आप, ये a है तो ये कितना है, a प्लस डी है क्या, ठीक है। ये कितना है, a प्लस 2d है क्या, ये कितना है, a प्लस 3d है क्या, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या है, 3d है, मतलब एक कम है। तो इसी तरीके से nth टर्म की बात करेगा तो आप क्या लिख सकते हो, a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना लिख सकते हो, d लिख सकते हो। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूले किससे आए, ऑब्जर्वेशन से आए, इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये सिंपली आप ऑब्जर्व करके चीज़ों को बता सकते हैं, ठीक है। इसमें जो अगली बात है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, समेशन ऑफ एन टर्म की बात की जाए, sn की बात की जाए, समेशन ऑफ एन टर्म, तो ये क्या फॉर्मूला होता है समझिए। इसका फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना होता है, d होता है, ठीक है। या एक और फॉर्मूला होता है इसका, एक और फॉर्मूला होता है इसका, क्या होता है देखिए, n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस में कितना, लास्ट टर्म। अगर हम फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करें, ए से, और लास्ट टर्म को किससे डिनोट करें, एल से, तो उसके लिए एस एन क्या हो जाएगा, एन बाई टू ए प्लस में कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये फॉर्मूला कैसे आया एक बार देखते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। क्लियर? देखिए ये जो फॉर्मूला आया किस तरीके से आया समझते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था, इस तरीके से लिखा था कि पहला टर्म क्या है, ए है, सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी है, थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2d है। इसी तरीके से आगे संख्या nth टर्म तक हमने लिखा था, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये t1 है, ये क्या है, t2 है, ये क्या है, t3 है। इस तरीके से आखिरी टर्म आप मान लीजिए क्या है, tn है। समेशन निकालना है तो समेशन आप निकालने के लिए, sn निकालने के लिए आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या लिख सकते हैं आप, t1 अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस, t2 लिखना चाहें तो a प्लस d लिख सकते हैं क्या, t3 दोस्त अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। और इसी तरीके से अगर हम आगे प्रोसीड करें तो tn टर्म क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू कितना लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं क्या। अगर मैं ये क्रम उलट दूं तब पर भी तो अपना sn आएगा। जैसे sn को मैं क्या लिखूं, पहले tn पहले लिखूं, तो tn की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू में कितना होगा, d होगा क्या, ठीक है। इसी तरीके से आगे प्रोसीड करें तो एन माइनस टू होगा, एन माइनस टू होगा इस तरीके से। और अगर हम आखिरी सेकेंड लास्ट टर्म की बात करें, ये वाले टर्म की, टी टू की बात करें, तो ये कितना होगा, ए प्लस में कितना होगा, डी, और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। क्लियर? मैंने बस इतना सा किया कि एस एन को एक बार मैंने T1, T2, T3, T4 इस तरीके से TN तक लिया, और SN को जस्ट ये रिवर्स करके ऐड कर दिया, तो इतना ही तो आना चाहिए। अगर हम इनको ऐड करें पैरेलली में, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए तो ये दोनों इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2SN बराबर में कितना होगा, अगर आप इनको ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, देखो आप, ये कितना होगा, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा क्या,
इसी तरीके से जब आप इस टर्म और इस टर्म को ऐड करोगे तो n माइनस टू यहाँ पे होगा, ये d है यहाँ पे, ए ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू कितना होगा, d होगा। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूँ, लास्ट टर्म ये है और इसमें लास्ट टर्म ये है, इनको आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, कितना मिल रहा होगा आपको, देखिए आप कितना मिल रहा होगा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू कितना मिल रहा होगा, d मिल रहा होगा। क्लियर, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ पा रही है? अगर आप इधर से, ये कई बार आया, मतलब ये जो है वही डाटा रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, एन टाइम्स रिपीट हो रहा है दोस्त, तो आप क्या लिख सकते हैं, टू एस एन बराबर में क्या लिख सकते हैं, एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं क्या? तो एस एन की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, यहाँ से अगर आप एस एन देखना चाहो तो एस एन की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, बातें समझ में आ पा रही है, क्लियर हो पा रहा है आपको? थोड़ा सा ये स्लाइटली डाउन हो गया व्हाइट बोर्ड पे जगह की वजह से, ये चीज़ें क्लियर हुई आपको, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, ये जो दूसरा फॉर्मूला लिखा हमने कि n बाई टू ए प्लस एल, एल क्या है, लास्ट टर्म है, और a क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो ये इस फॉर्मूले से कैसे बना, समझिए आप। देखिए एस एन इक्वल टू एन बाई टू, अगर 2a को मैं a लिख दूं तो वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट टर्म लिख सकता हूँ क्या, फर्स्ट टर्म प्लस ए प्लस एन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा क्या, लास्ट टर्म हो जाएगा क्या, तो ये भी फार्मूला, ये वाला फार्मूला इसी से आया, ये जो फार्मूला लिखा मैंने इसी से डेरिवेशन है, ये बातें आपको समझ में आई, क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने कितने फार्मूले देखे, अभी तक हमने तीन फार्मूले देखे, लेकिन एक्चुअली में एक तो कॉमन डिफरेंस देखा, एक nth टर्म देखा और एक sn देखा। sn के लिए हम लोगों ने दो फार्मूले देखे, n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक दूसरा फार्मूला देखा n बाई टू ए प्लस एल, ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, l क्या है, लास्ट टर्म है। ये बातें क्लियर हो पा रही है, समझ में आ पा रहे हैं? ठीक है, देखिए ये जो हमने tn लिखा है इसी से एक और डेरिवेशन होता है, tn को हम लास्ट टर्म अगर बोल दें तो लास्ट टर्म बराबर में क्या हो जाएगा, l मान लें लास्ट टर्म को, l बराबर में क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू में कितना, d। इस डाटा को अगर हम इधर ले आएँ तो l माइनस ए बराबर में क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू कितना होगा, d, या d से डिवाइड कर दें तो l माइनस ए अपान d बराबर में कितना, n माइनस वन, या n बराबर में क्या हो जाएगा, l माइनस ए अपान d प्लस में कितना, वन। ये भी एक फॉर्मूला है, किस लिए, कि सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अगर कोई सीरीज ए पी सीरीज है तो उस सीरीज को हम देख करके बता सकते हैं कि उस सीरीज में पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उसके लिए क्या फार्मूला हो गया, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस डी प्लस वन। ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला जो हमने टू सेकेंड नंबर पे nth टर्म के लिए ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये फार्मूला लिखा था, उसी से nth ये नंबर ऑफ टर्म्स सीरीज में कितने हैं उसके लिए भी फार्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमने कितने फार्मूले देखे आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, चार फार्मूले देखे, कितने फार्मूले देखे, चार फार्मूले देखे, और इन फार्मूले के यूज से क्वेश्चन को सॉल्व इजीली किया जा सकता है जो भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे सॉल्व किया जाता है, शॉर्टिक्स क्या होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेसिक मेथड क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको भी एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, अभी तक हमने फॉर्मूले देखे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड क्या क्या फार्मूले यूज होंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं इसको डिस्कस करने के लिए कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में ये जो सीरीज दे रखी है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये पूछ रहा है। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सीरीज, ये जो सीरीज दे रखी है उसमें पहला टर्म कितना है, ए बराबर में कितना है, फोर है।
पहले तो सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो हम ये देखते हैं कि अगर 4 में 8 ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा 12, 12 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। मीन्स ये सीरीज तो किस में हमें शो हो रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में शो हो रही है। फर्स्ट टर्म कितना है, 4 है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूँ तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 बराबर में कितना हो गया है, 8 के बराबर हो गया। अगर मैं लास्ट टर्म की दोस्त इसमें बात करूं तो लास्ट टर्म कितना है, एल बराबर में कितना है, 108 के बराबर है, 108 के बराबर है। कुछ ही देर पहले अभी ने हम लोगों ने एक फार्मूला देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताना है कि पदों की संख्या कितनी है, तो उसके लिए फार्मूला देखा क्या कि लास्ट टर्म एल लास्ट टर्म माइनस में कितना है ये फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस डी प्लस में कितना 1। ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में खुद से डिजाइन किया, ठीक है, खुद से डिजाइन किया। तो क्या हम इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं, क्या श्योर बता सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? देखिए लास्ट टर्म कितना है, 108 है, फर्स्ट टर्म कितना है, 4 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है, प्लस में कितना हो गया है, 1 हो गया हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप 104 अपान में कितना 8 प्लस में क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आप 8 से डिवाइड कीजिए, 8 वन ज़ा 8, 2 8 3 ज़ा 24, प्लस में कितना 1 बराबर में कितना हो गया 14 हो गया। मीन्स इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने के बराबर है, 14 के बराबर है। क्लियर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 डेट आर डिविजिबल बाई 2 और 5 पीस। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि समेशन आप फाइंड आउट करिए जो संख्याएं या तो 2 से डिविजिबल हैं या 5 से डिविजिबल हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे समझिए आप। देखिए पहले डिविजिबल बाई 2 देखते हैं, समेशन ऑफ दोज नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8, इस तरीके से ये नंबर कहाँ तक होंगे, 100 तक, ठीक है, 1 to 100, फ्रॉम 1 to 100। तो ये 2 से डिविजिबल तो ये सारे नंबर हो रहे होंगे। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूँ, एन बराबर में नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो एन बराबर में कितना होगा, इसमें 50 होगा। क्यों, क्योंकि हर 10 टर्म में कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो 100 तक कितना होगा, 50 टाइम्स होगा। तो समेशन बता पाना आसान है क्या, ऐसा हम बता सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, लास्ट टर्म कितना है 100 है। समेशन के लिए जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि एस एन इक्वल टू क्या देखा था, एस एन इक्वल टू एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस में कितना लास्ट टर्म। क्या ये फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। देखिए एस एन, एन की वैल्यू कितनी है 50, 50 अपान में कितना हो गया 2 हो गया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 2 और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है 100 है। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी समझिए आप, ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू में कितना लिख सकते हैं, 102 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो गई, 25 2 से कितना हो गया 50 हो गया, क्या 50 हो गया, इसके बाद 25। तो समेशन ऑफ दोज नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इन द सेगमेंट 1 to 100 इज, फ्रॉम 1 to 100 इज 2550। ओके गाइज, अब हमें देखना है कि उन सारी संख्याएं जो 5 से डिविजिबल है कौन कौन सी हो सकती हैं। तो एक सीरीज बननी होगी 5 से डिविजिबल संख्याओं की, कौन कौन सी, पहला टर्म क्या होगा 5 होगा, दूसरा 10 होगा, तीसरा 15 होगा, इस तरीके से लास्ट टर्म क्या हो रहा होगा 100 हो रहा होगा। तो इसका अगर मुझे समेशन निकालने की बात की जाए, इसका समेशन, इस सीरीज का समेशन फाइंड आउट करने की बात की जाए, तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, लास्ट टर्म क्या है 100 है, और ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, इसमें 20 होगा। कितना होगा 20 होगा, कैसे, 10 टर्म में 2 टाइम्स आ रहा है तो 100 टर्म्स में कितना आएगा 20 टाइम्स आएगा। तो समेशन कितना हो जाएगा 20 अपान में कितना 2, फर्स्ट टर्म कितना है 5 और लास्ट टर्म कितना है 100। ये वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू में कितना हो गया 105, तो ये कितना हो गया 1050। क्लियर गाइस। अब एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है, वो सारी संख्याओं का भी हमें समेशन निकालना है जो 10 से डिविजिबल है। तो 10 से डिविजिबल संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, आखिरी टर्म क्या होगा हमारा 100 होगा।
तो इस सीरीज में हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है, लास्ट टर्म कितना है आपका, 100 है, और एन की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो समेशन कितना आएगा, ये हमें क्यों फाइंड आउट करना पड़ा, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, 10 से डिविजिबिलिटी हम क्यों चेक कर रहे हैं। देखिए आप, जब हम 2 से डिविजिबिलिटी लिए उसमें भी 10 एक बार आया, और जब हम 5 से डिविजिबिलिटी लिए उसमें भी 10 एक बार आया, तो 10 जो है दो दो बार ऐड हो गया है, मीन्स 10 से डिविजिबल जो संख्याएं हैं टू टू टाइम्स ऐड हो रही हैं, एक तो इस सीरीज में ऐड हो रही हैं, दूसरी इस सीरीज में ऐड हो रही हैं, तो उन्हीं को एक बार समेशन निकाल करके इन दोनों समेशन में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो होल का समेशन आ जाएगा कि डिविजिबल बाई 2 और 5, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है आपको? ठीक, तो इसका समेशन कितना होगा, देखिए आप, इसका समेशन अगर हम निकालना चाहें तो सम की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 10 अपान में कितना होगा 2, फर्स्ट टर्म कितना है 10 है और लास्ट टर्म कितना है 100 है, ये वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू में कितना हो जाएगा 110, 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया 550 हो गया। अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए आप, क्वेश्चन का आंसर अगर मैं इसको S3 से रिप्रेजेंट करूं, ये जो समेशन आया है इसको S3 से रिप्रेजेंट किया जाए, ये जो समेशन आया S2 से रिप्रेजेंट किया जाए, और ये जो समेशन आया इसको S1 से रिप्रेजेंट किया जाए, तो जो आंसर रिक्वायर्ड होगा क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा, S1 प्लस में S2 माइनस में कितना होगा, S3 होगा। देखिए S1 की वैल्यू कितनी है, S1 की वैल्यू कितनी आ गई है 2550, S2 की वैल्यू कितनी आ गई है, देखिए S2 की वैल्यू कितनी है 1050, माइनस S3 की वैल्यू कितनी है 550, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यहां से क्या बचेगा 2550 प्लस में कितना 500, तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगी 3050 के बराबर हो जाएगी। क्लियर गाइस, ये बातें आपको समझ में आ पा रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज को देखते हैं, प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उन पे प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे, मेंस में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्लियर, सपोज डेट ऑल द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म टू द सम ऑफ 11 टर्म इज 6:11 एंड द 7 टर्म लाइज इन बिटवीन 130 एंड 140, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज, ये आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा है, डी की वैल्यू पूछा है, इसमें एक कंडीशन दे रखा है, क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ टर्म्स के लिए क्या फार्मूला होता है, एस एन के लिए एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 7 टर्म की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, n बराबर 7 हो जाएगा, तो क्या होगा 7 बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 7, 7 माइनस 1 कितना होगा 6 इंटू में कितना होगा d हो जाएगा, और सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म की बात कर रहा है, 7 टर्म टू द सम ऑफ 11 टर्म, तो 11 टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 बाई टू 2a प्लस 11 माइनस 1 कितना होगा 10 इंटू में कितना d, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर दे रखा है 6 अपान में कितना दे रखा है 11 दे रखा है। क्लियर गाइस, ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, बिल्कुल ठीक है। अब इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई किस तरीके से करोगे आप, देखिए ये 11 से 11 भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्या यहाँ से, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर तो कुछ बचा नहीं, आप 7 का मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 14a प्लस में 7 6 कितना हो जाएगा 42, 42d बराबर में कितना होगा 6 2 12, 12a प्लस में कितना होगा 60d हो जाएगा। ओके गाइस, आप इसे इधर ले आइए और माइनस करिए कितना हो जाएगा 2a बराबर में कितना, इसको इधर ले जाइए 18d के बराबर हो जाएगा, या a बराबर में कितना हो जाएगा, a बराबर में कितना हो जाएगा 9d हो जाएगा। क्लियर, अब आप क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है आपको, एंड द 7 टर्म लाइज इन बिटवीन 130 एंड 140, 7 टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140,
तो देखिए आप, सेवन टर्म की वैल्यू कितनी होगी? अगर मुझे टी सेवन निकालना हो, टी सेवन की वैल्यू निकालना हो, तो टी सेवन कितना होगा? ए प्लस एन माइनस वन। तो सेवन माइनस वन कितना होगा? सिक्स डी होगा। क्या ये ए प्लस सिक्स डी की जो वैल्यू है, ये किसके किसके बीच बोल रहा है, किसके किसके बीच लाइज कर रही है? 130 एंड 140 के बीच लाइज कर रही है। ठीक है, आ रही बात आपको समझ में? आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पूछा है। ए जो है डी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ए बराबर आप क्या लिख सकते हो? 9d लिख सकते हो क्या? तो ये कितना हो गया? 130 9d प्लस में कितना? 6d लेस देन और इक्वल लेस देन 140। इसको आपने सम किया, ये कितना हो गया? 130 सम किया तो कितना हो गया? 15d लेस देन कितना हो गया? ये 140 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आप डिवाइड कर दीजिए। पहले तो आप किससे डिवाइड कर दीजिए? 5 से डिवाइड कर दीजिए, 3 हो गया। ये कितना हो गया? 5 टू ज़ा 10 और 5 6 ज़ा 30। 5 से इधर डिवाइड करिए, 5 टू ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40। ये वैल्यू कितने के बराबर होगी? देखिए आप, 26 3d ये कितना हो गया? 20। अब हम देखें तो डी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, किसके किसके बीच लाई कर रही है। अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 3 8 जा 24 होगा, तो 8 पॉइंट से कुछ ज़्यादा होगा ये वैल्यू डी, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 9 जा 27, ये 9 से कुछ कम होगा। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा होगा, ये 8 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा होगा। क्वेश्चन में एक कंडीशन शुरू शुरू में दे रखी थी। क्या दे रखा था? सपोज डेट ऑल द टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर है तो इंटीजर नंबर तभी पॉसिबल होगा जब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इंटीजर वैल्यू होगी। इंटीजर वैल्यू डी जो है 8 पॉइंट समथिंग से लेकर 9 पॉइंट समथिंग के बीच लाइज कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि डी की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 9 के बराबर होगी। ओके गाइस, समझ में आ रही बातें? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे कैसे और क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे जो हम सीरीज लिए थे एग्जांपल में, उसमें प्लस थ्री ऐड कर रहे थे। सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। जैसे आपका क्या हो गया, देखिए आप, 16 हो गया, 14 हो गया, 12 हो गया, इसमें क्या होगा? ये कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? आपका नेगेटिव आ जाएगा। या सीरीज ऐसे भी हो सकती है कि कॉमन डिफरेंस जीरो आ रहा हो, जैसे वन 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 वन, ये सीरीज कैसी हो गई? एक तरीके से क्या हो गया, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ़ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b बराबर में कितना होगा? a प्लस सी होगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, जैसे एक सीरीज है 4 6 8 4 6 8, ये डाटा आपको समझ में आ रहा है, ये किस में है? एपी में है। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? 2 इंटू 6 बराबर में कितना होगा? 4 प्लस 8 होगा क्या? क्लियर। इस पे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस प्रॉपर्टीज पे कि इफ ए बी सी आर इन ए पी देन 2b बराबर में कितना? a प्लस सी होगा। मीन्स जो मिड वाला टर्म है उसका 2 टाइम्स बराबर में कितना होगा? फर्स्ट प्लस में कितना होगा? थर्ड टर्म होगा। इस पे मेंस में क्वेश्चन, एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अभी कुछ देर में। ठीक, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, कंसिडरिंग नंबर्स इन ए पी। जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना हो, कोई सीरीज दे रखी हो, कोई सीरीज डिस्क्लोज न करे, बोले कि इसमें 3 टर्म्स है या 5 टर्म्स है, ऑड नंबर टर्म्स मानना हो या इवन नंबर टर्म्स मानना हो, तो किस तरीके से मानेंगे? देखिए, जब हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मानना हो ए पी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो किस तरीके से सीरीज में हम नंबर को एज्यूम करेंगे? देखिए आप, अगर ऑड टर्म मानना हो तो ए लेते हैं, आगे एक्सपेंड ए प्लस डी और इधर ए माइनस डी। इस तरीके से सीरीज को हम मेंशन करते हैं या बनाते हैं कि ये बैलेंस हो के डी कट जाए।
ठीक है, अगर हमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेना है, जैसे थ्री टर्म्स लेना है, तो क्या मैं तीनों को ऐड करूंगा तो डी बचेगा क्या? नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ पा रही है क्या? जब हमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेना हो तो इस तरीके की सीरीज हम फ्रेम करेंगे, जैसे फोर टर्म है, सिक्स टर्म है। अभी क्या ये 2D का डिफरेंस है क्या? तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 5D हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ए माइनस 5D। अब ये थ्री टर्म था, अगर मुझे फाइव टर्म्स लेना होता तो मैं क्या करता, इधर हम क्या कर रहे होते, ए प्लस 2D, और इधर क्या, ए माइनस 2D कर रहे होते। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही है कि जब मुझे ऑड नंबर ऑफ सीरीज, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेना होगा किस में, एपी में, तो मैं इस तरीके की सीरीज को चूज करूंगा, और जब मुझे इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेना होगा तो इस तरीके की सीरीज को चूज करूंगा। क्लियर गाइस, आ रही बातें समझ में? चलिए अब इस पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं जो मेंस में पूछा गया है। ठीक, चलिए दोस्त, अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे थे, उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन जो जो मेंस में पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी तीन टर्म दे रखा है, टर्म फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बोला है कि एपी में है और पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अगर तीन टर्म हैं एपी में होंगे तो क्या होगा, सेकेंड टर्म का टू टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म लॉग थ्री टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू में कितना हो जाएगा, लॉग थ्री टू प्लस में लॉग थ्री टू एक्स माइनस सेवन बाई टू। ओके, देखिए अगर इस तरीके की वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग थ्री टू एक्स माइनस फाइव की पावर में कितना होगा, टू इक्वल टू लॉग थ्री टू इंटू में कितना होगा, टू की पावर एक्स माइनस सेवन बाई टू। ये जो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टी के अनुसार अप्लाई किया, बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का काम यहाँ से खत्म हो गया। अब जो वर्क है किसका है, लॉग का है। ठीक है, तो एक ऐसा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज सेक्वेंस कि उसका मल्टीपल चैप्टर में यूज करके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम क्या लिख सकते हैं, कंपेयर करके लिख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, टू की पावर एक्स माइनस में फाइव की पावर टू इक्वल टू टू इंटू टू की पावर एक्स माइनस में कितना, सेवन बाई टू। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोस्त हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि टू एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, टी के बराबर है। क्या मान लेते हैं, 2x की वैल्यू किसके बराबर है, t के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माइनस फाइव का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू टू इंटू टी माइनस सेवन बाई में कितना होगा, टू होगा। इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t इक्वल टू 2t माइनस में कितना, सेवन। इस डाटा को इधर लाइए और इस डाटा को भी आप इधर लाइए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आप, टी स्क्वायर 10t माइनस 2t कितना हो जाएगा, 12t हो जाएगा क्या, 25 और ये प्लस होगा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा क्या, 32 इक्वल टू कितना, जीरो। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करना जानते ही हो दोस्त, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसको किस किस में ब्रेक कर सकते हैं, सेवन एंड फोर में ब्रेक कर सकते हैं क्या, सेवन एंड एट एंड फोर में ब्रेक कर सकते हैं, इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस में कितना, 8t माइनस में कितना, 4t प्लस 32 इक्वल टू कितना होगा, जीरो। टी कॉमन ले लीजिए आप तो ये कितना होगा, टी माइनस एट माइनस फोर कॉमन ले लीजिए तो टी माइनस में कितना हो गया, एट इक्वल टू कितना, जीरो। तो टी माइनस एट और दूसरे ब्रैकेट में कितना हो गया, टी माइनस में कितना, फोर इक्वल टू कितना, जीरो। तो टी बराबर में कितना हो गया, एट हो गया, और ये कितना हो गया, फोर हो गया। क्लियर, टी की वैल्यू कितनी थी समझिए आप, टी की वैल्यू हमने कितना मान रखा था यहाँ से, तो ये कितना हो गया, टू की पावर एक्स बराबर में कितना, एट, और टू की पावर एक्स बराबर में कितना, फोर।
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, तो एक 3 आ जाएगा और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यही पूछा था, डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी और 2 होगी। क्लियर गाइज, समझ में आ रही है आपको बातें? ठीक है, चलिए गाइज, ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि कंसिडरिंग नंबर ऑफ टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी ये कितने टर्म की बात कर रहा है, 3 टर्म की बात कर रहा है। तो दोस्त, अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी 3 टर्म मानना होगा तो क्या मानेंगे हम, ए ए प्लस डी और ए माइनस डी, 3 टर्म इसी तरीके से मानेंगे। बैलेंस इस तरीके से करेंगे कि डी हमेशा कैंसिल आउट हो जाए प्लस करने पे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 3 टर्म हमने ये एज्यूम कर लिया। अब क्वेश्चन के अनुसार आते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इन एपी इज 27। सम करिए आप, 3 नंबर का सम करिए, तो सम आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 3a बराबर में कितना आ गया, 27 आ गया। तो a की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, a की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 9 के बराबर होगी। ये तुरंत हमें क्या मिल गया, 9 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन अभी हमारा सॉल्व हो गया क्या, नहीं सॉल्व नहीं हो पाया। आगे दे रखा है सम ऑफ एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293। तो देखिए आप सम ऑफ स्क्वायर करिए, ए की वैल्यू तो 9 आ गई, तो ये वैल्यू डाटा कितना हो गया, 9 माइनस डी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का क्या, होल स्क्वायर। और ये वैल्यू कितने के बराबर है, ये वैल्यू कितने के बराबर है, 293 के बराबर है। कितने के बराबर है, 293 के बराबर है। बात समझ में आ रही है आपको? आगे कैलकुलेशन करिए कितना हो जाएगा, जब इसे आप एक्सपेंड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 81 प्लस में कितना डी स्क्वायर माइनस में कितना 18d प्लस में कितना 9 स्क्वायर प्लस 81 प्लस डी स्क्वायर प्लस, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आप ये वैल्यू कितनी होगी, 18d इक्वल टू कितना हो गया, 293। ठीक, देखिए कहीं ना कहीं कुछ कट रहा होगा, उसे आप कैंसिल आउट करिए और आगे कैलकुलेशन प्रोसीड करिए। देखिए 18d से 18d कैंसिल आउट हो रहा है क्या, ये माइनस ये प्लस है। ठीक है, 81 81 81, ये कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा क्या, 243 हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 2d स्क्वायर हो गया क्या, इक्वल टू में कितना हो गया, 293। इस डाटा को इधर लाइए, आप माइनस करिए, तो 2d स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर हो गई, माइनस जब आप करोगे तो कितना हो गया, 0 5। डी स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 25, तो d की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी क्या, 5 के बराबर हो जाएगी क्या, 5 के बराबर हो जाएगी। डी की वैल्यू प्लस माइनस 5 या 5 ले लीजिए या प्लस माइनस 5 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाटा सेम आपका आ रहा होगा, एक बार इधर से या एक बार इधर से। अगर मैं 5 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4 9, और 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका, ये प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 कितना होगा, 13। अगर मैं माइनस लेके चलता हूँ, सपोज करिए मैं माइनस लेके चलता हूँ, तो 9 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 13 9, और ये 4। टर्म्स तो वही आए ना आपके, समझ में आ पाई बात आपको, क्लियर हो पाया क्या? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज पे था। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी रह गई थी, मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताया था, एक आखिरी प्रॉपर्टीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ये रह गई थी, क्योंकि इस पर अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, उसको देखते हैं, उस प्रॉपर्टी को पहले देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर सीरीज दे रखी है तो प्रत्येक ईच टर्म में अगर मैं कोई कांस्टेंट ऐड करूं, सबट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, सीरीज में कोई चेंजेस नहीं होगा, सीरीज में कोई चेंजेस नहीं होगा, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एडवांस में पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, 4th नंबर प्रॉपर्टीज एक अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, वो प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कोई सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखी है, उस सीरीज के प्रत्येक टर्म में, ईच टर्म में मैं कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करूं, ईच टर्म में ऐड करूं, तब पर भी वो सीरीज एपी ही रहेगी। ईच टर्म में सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तब पर भी वो सीरीज क्या रहेगी, एपी ही रहेगी। ईच टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं, तब पर भी वो सीरीज क्या रहेगी,
आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी, या इस टर्म हम डिवाइड कर दें तब पर भी वो सीरीज क्या रहेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, अभी जो हमने प्रॉपर्टीज बताई उस पे एक क्वेश्चन बेस्ड पूछा गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्त। देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ बी प्लस सी माइनस ए अपान ए, सी प्लस ए माइनस बी अपान बी, ए प्लस बी माइनस सी अपान सी आर इन ए पी, देन सो डैट वन अपान ए वन अपान बी वन अपान सी आल्सो इन ए पी। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझिए आप। इससे जस्ट पहले मैंने एक प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि कोई अगर सीरीज ए पी में, कोई सीरीज किस में है, ए पी में है, उसमें कॉन्स्टेंट टर्म को ऐड किया जाए, कोई कॉन्स्टेंट टर्म ईच टर्म में ऐड किया जाए तब पर भी वो सीरीज किस में रहेगी, ए पी में। कोई कॉन्स्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तब पर भी सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझते हैं, ये सीरीज हमें दे रखा है ए पी में और प्रूव करना हमें वन अपान ए वन अपान बी वन अपान सी आर इन आल्सो इन ए पी। तो कैसे प्रूव करेंगे समझिए इस बात को। देखिए हम करेंगे क्या, ये जो सीरीज दे रखी है, डाटा दे रखा है, सम में हमने क्या कर दिया, टू ऐड कर दिया, सारी सीरीज में हमने क्या कर दिया, टू ऐड कर दिया। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी समझिए आप, अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो ये 2a हो जाएगा, माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, तो ये कितना बचेगा, b प्लस सी प्लस ए अपान में कितना a, ये कितना हो जाएगा, c प्लस ए प्लस बी अपान में कितना b, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी अपान में कितना c। अगर ईच टर्म को हम a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा हमें, अब हमने क्या किया कि ईच टर्म को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, वन अपान ए वन अपान बी और क्या बचेगा, वन अपान सी। क्या ये जो बात पूछ रहा था ये प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि वन अपान ए वन अपान बी वन अपान सी किस में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या ए पी में है। क्लियर हुई बात, समझ में आया, थैंक यू सो मच।